हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। दोस्तों आज है डे 7। जो आज आपने सेट लगाया है उसका मैं रीजनिंग का सोल्यूशन इस वीडियो में देने वाला हूं। कल तक के जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस थे उनका सोल्यूशन आपको मिल चुका था, आज डे 7 का सोल्यूशन आपको दिया जा रहा है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे एनोलॉजी का प्रश्न आता है जो हमने पहले दिन आपको क्लास में कराया था। एनोलॉजी इसमें कह रहा है कि माँ का जो संबंध बच्चा से है वही बादल का संबंध किससे है। देखिए माँ जो है वो बच्चे को जन्म देती है, तो बादल किसको जन्म देता है? बादल पानी को जन्म देता है, सॉरी बादल जो है वो वर्षा को जन्म देता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? सी। पढ़ते हैं आगे, बहुत ही आसान था। यहाँ पे आपको कह रहा है क्वेश्चन कि ए डी बी सी ये डब्ल्यू जेड एक्स वाई से जिस तरह से संबंधित है उसी तरह से ई एच एफ जी किससे संबंधित है। ये भी एनालॉजी का प्रश्न है। चलिए इसको हम लोग डिकोड करते हैं। ए डी बी सी ये संबंधित है डब्ल्यू जेड एक्स वाई से। कैसे संबंधित है ध्यान देंगे आप लोग, ध्यान से देखेंगे तो ए का अपोजिट होता है जेड और डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू। जब लोग पोजिशनिंग कोडिंग करेंगे तो ये दोनों को जब सम करते हैं तो इसका सम आता है 27। इसका मतलब है कि ये दूसरे के अपोजिट है। उसी तरह से बी अपोजिट होता है वाई का और सी अपोजिट होता है एक्स का। ये दोनों का सम आता है 27, इसलिए इसको कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में अपोजिट है। उसी तरह का संबंध इसके साथ देखना, यानी कि ई एच एफ जी का संबंध किससे है। तो ई के बारे में हमने आपको बताया था कि ई का ठीक अपोजिट जो होता है वो होता है आपका भी, ठीक है। तो पहले पे आपको भी कहां दिख रहा है वो इधर इसका आंसर होने वाला है। इधर दूसरे में मतलब दूसरा जो पोजीशन होगा वो भी होना चाहिए। दूसरे पोजीशन पे भी कहां है? ऑप्शन डी में, यहीं से आपने निकाल लिया। हमने आपको एक ट्रिक बताया था, एल ओ इसका ठीक अपोजिट होता है भी ई, इस तरह से हमने बताया था। तो आप यहीं से तुरंत डिकोड कर सकते हैं कि एल का उल्टा भी और ओ का उल्टा ई, यहां से फटाक से हो गया। बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं, सीधा देखिए दूसरे पोजीशन पे आना चाहिए ई का कोड, दूसरे पोजीशन पे यहां है, निकल के बढ़िए, ज्यादा टाइम नहीं आपके पास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है ये क्वेश्चन मैंने आज कराया आपको क्लास में, ठीक है, वही बॉक्स वाला जो मिसिंग नंबर फाइंड था वही वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि 8792 और बीच में 400, 4396 बीच में 200, तो 9450 यहां पे क्या आएगा? देखिए 8 को जोड़ते हैं 792 में तो कितना आता है 800। 8 को आप जोड़ते हैं 792 में तो आता है 800, और 800 को 2 से डिवाइड करते हैं तो मिलता है आपको 400। यही 400 बीच में है, तो यही वाला नियम अगले में ही फॉलो करना चाहिए। तो 4 को जोड़ते हैं 396 में तो आता ही है 400, 400 को 2 से डिवाइड करते हैं मिलता है 200, ये वाला 200 आपको मिल गया। इसका मतलब ये 9 को किसी चीज में ऐसा जोड़ेंगे जहां से ये 900 आए। क्यों 900 आए? क्योंकि 900 को 2 से डिवाइड करेंगे तभी आएगा 450। तो 9 को हम जोड़ेंगे 891 में तो ये हमको दे देगा 900, और 900 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 450। तो आपका आंसर ये हुआ, ये लॉजिक था इसका। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। कौन कौन भाई? तो पहला दिया हुआ है भूमिका, दूसरा दिया हुआ है अनुक्रमणिका, तीसरा दिया हुआ है मूल पाठ, और चौथा दिया हुआ है प्रस्तावना। देखिए यहाँ पे भूमिका, अनुक्रमणिका और प्रस्तावना, ये तीनों जब किसी बुक को हम लोग खोलते हैं तो उसके सामने विषय सूची होती है, प्रस्तावना लिखा होता है। मतलब क्या है कि इस मूल पाठ को छोड़ के बाकी जितनी चीजें हैं वो सब किसी किताब में सामने होते हैं, मतलब पहले दूसरे पृष्ठ पे होती है, लेकिन मूल पाठ मतलब पूरा का पूरा जो किताब है वो मूल पाठ कहलाता है। और सबसे पहले पृष्ठ पर जो होता है वो अनुक्रमणिका होता है, या फिर प्रस्तावना होता है, या फिर भूमिका होता है। इसलिए मूल पाठ जो था ये तीनों से अलग था। आंसर हमारा हुआ मूल पाठ। बढ़ते हैं आगे। यदि किसी कूट भाषा में पावर्स को 18 लिखा गया है, अच्छा पावर्स को 18 लिखा गया है, ये कैसे संभव हो सकता है? चलिए हम देखते हैं पोजिशन कोड, ठीक है। पी ओ डब्ल्यू ई आर एस, ठीक है। अब इसे पोजिशनिंग कोड जब लिखेंगे तो क्या क्या होगा ध्यान दीजिएगा। कलर थोड़ा सा चेंज कर ले। पी क्या क्या हो जाएगा? ओ पी ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका 15, डब्ल्यू का क्या हो जाएगा 23, ई क्या हो जाएगा 5, आर का हो जाएगा क्या हो जाएगा, आर का हो जाएगा 18, एस का क्या हो जाएगा 19। इस तरह से हो रहा है, लेकिन सबको जोड़ने के बाद 18 कैसे आएगा इसके लिए हम एक तरीका आपको बताते हैं। इस तरह से भी आप लॉजिक लगा सकते हैं। इसमें ऑड और इवन वाले को एक साथ करें, मतलब पी डब्ल्यू और डब्ल्यू के बाद आर, इन तीनों को जोड़ते हैं कितना आता है? तो 16 और 23, 23 और 18, 16 प्लस 23 प्लस 18 जोड़ते हैं कितना आ जाएगा? 6 3 9 8 17,
एक एक दो दो चार एक पांच 57 ठीक है। और उसके बाद जो बचता है हमारा, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे आपको आसानी होगी, ओ ई और एस को जोड़ते हैं यानी कि 15, 5 और 19 को जोड़ते हैं कितना आ जाएगा, 5, 5, 10, 9, 19 1, 1, 39। अब देखिए यहां आया 57, यहां आया 39, 57 माइनस 39 करें कितना मिल जाएगा, 8, 1, 18 यही 18 है, दिख रहा है। मतलब क्या है कि यहां पे फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ इसको एक साथ लेके जोड़ें, फिर यहां पे सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ इसको लेके एक साथ जोड़ें, और जोड़ने के बाद सारे पोजीशन कोड को जोड़ के फिर जब घटाते हैं तो यहां पर निकल के आता है 18। तो आपको बताना था, तो फिर देखिए इधर ब्रिक्स के बारे में भी कह रहा है कि ये भी 18 आता है, इसको भी आप जोड़ के देखेंगे वैसे ही तो ये भी 18 आएगा। तो कह रहा है कि उस कूट भाषा में कलर को क्या कहेंगे, तो इसका ही पोजीशन कोड निकालिएगा। अच्छा, पोजीशन कोड निकालने के बाद घटा के हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितना आ रहा है। आप काम कीजिए, आपको मैंने लॉजिक बता दिया, लॉजिक यही है कि फर्स्ट वाला पोजीशन, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला, इस तरह से करके इसको जोड़ना है, फिर इसको इसको करके ऐसे जोड़ना है, फिर घटाना है, और तब हमें बताना है कितना आपका कोड आ रहा है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि इसी तरह से यदि ये व्यवस्था जारी रहे, ये जो आपको दिख रहा है फिगर सामने, कह रहा है कि ये जो लाइन वाली व्यवस्था है इसी तरह से जारी रहे तो अगला जो फिगर होगा वो क्या होगा, मतलब इसके बाद जो फिगर होगा वो क्या होगा, यही आपको बताना है। देखिएगा ध्यान से, आपको मैं कुछ दिखाऊंगा, इस पे आप गौर करेंगे, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा सारी चीजें। देखिए यहां पे गोल था और इधर में आपका एरो बन रहा था, जैसे ही इधर जाते हैं तो फिगर सेम ऐसे ही है, लेकिन एरो और जो ये सर्किल था इसका पोजीशन चेंज हो गया, मतलब एरो के जगह पे सर्किल आ गया और सर्किल के जगह पे एरो चला गया। देख रहे हैं दोनों, बस अंतर यही हुआ, फिगर दोनों सेम था, बस केवल एरो उठ के सर्किल की जगह पे, सर्किल उठ के एरो की जगह पे। अगले में आते हैं, फिर देखिए दोनों का लाइनिंग सेम है, बस यहां पे एरो है, यहां सर्किल है, अब की बार ये उठा और एरो नीचे आ गया और सर्किल यहां रह गया, मतलब ये लोग आपस में रिपीट कर रहे हैं। तो अगला वाला फिगर इस तरह का है, तो अगला वाला हमारा भी इस तरह का ही होगा, लेकिन यहां पे देखिए सर्किल है, यहां एरो है, तो अब की बार एरो यहां हो जाएगा और सर्किल यहां हो जाएगा। इस तरह का फिगर आपको जो दिख रहा होगा वह आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि पांच व्यक्ति हैं जिन्हें P1, P2, P3, P4, P5 के नाम दिया गया है। कह रहा है कि P2, P3 की बहन है। चलिए हम लोग निकालते हैं ब्लड रिलेशन, जो हमने इसके पीछे वाले क्लास में पढ़ाया था। कह रहा है कि P2 .. P3 की बहन है। P2 का जेंडर डिसाइड हो गया कि ये माइनस है, बहन है, ठीक है। आगे कहता है कि जिसकी पोती P5 है। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक बात बताऊंगा, जहां पर भी ये वर्ड रहा है जिसकी, जो, जिसकी और जो, तो आपको समझना है कि ये लास्ट वाले के बारे में बात हो रही है, मतलब P2 के बारे में नहीं, P3 के बारे में बात हो रही है। कह रहा है कि जिसकी पोती P5 है, किसकी पोती, P3 की पोती होगी P5, तो यहां पर इसका कोई ना कोई बेटा होगा, और उसका जो, मतलब उसकी जो बेटी होगी वो इसकी पोती होगी, उसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा P5। ये जो पोती होगी इसका नाम होगा P5। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। जब भी बात किया जाए इस तरह से जिसकी लिखा रहा है तो लास्ट वाले को हम पकड़ते हैं, ठीक है। आगे कहता है कि P4 P1 का बेटा है। P4 कौन है, P1 का बेटा। अच्छा, P1 के बारे में हमको तो पता ही नहीं है और ना ही P4 के बारे में पता है। आगे देखते हैं, बेटा हो जो P2 का पति है। फिर यहां पर देखिए जो वर्ड आया, जो वर्ड किसके लिए आएगा, जो वर्ड आएगा P1 के लिए, क्योंकि उसी से पास में है। तो यहां P2 का पति कौन हो जाएगा, P1। P2 महिला थी, P1 पुरुष हो गया इसका, ये दोनों पति पत्नी हो गए, और इनका बेटा जो है उसका नाम है P4। इस बेटे का नाम क्या है, P4 नाम है। चलिए इसको लिख देते हैं P4। अब आपको चीजें कुछ नजर आ रही होंगी। अब कह रहा है तो P5 का P4 से क्या संबंध है, ये P5 जो है ये P4 से कैसे संबंधित है। देखिए हमने आपको पीढ़ी जब बताया था तो बताया था जो सामने सामने होते हैं, एक पीढ़ी, ये दूसरा वाला दूसरा पीढ़ी और ये तीसरा पीढ़ी, यहां पर दिख रहा है। अब देखिए आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि ये P4 जो है ये P5 से कैसे संबंधित, ध्यान रखिएगा। तो P4 के पिता हुए P1, इसकी माता हो गई P2, और P2 जो है P3 की बहन है। P3 की बहन है मतलब ये P3 यदि प्लस होता तो ये मामा हो जाता, यदि ये माइनस होता तो मौसी हो जाती,
और उसका बेटा, तो उसका बेटा इसका भाई हो जाएगा, और भाई के बेटे को हम क्या कहते हैं, भाई के बेटे को हम भतीजा कहते हैं, तो ये P5 क्या हो जाएगा, P5 जो होगी भतीजी, जो लड़की थी ये P5, तो ये हो जाएगी भतीजी। तो इस तरह से हम रिलेशन निकालते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग को दिक्कत जानते हैं कहां हुआ होगा, दिक्कत यहां पे होता है कि जिसकी, अब आप सोचते हैं कि P2 की P3 की, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जिसकी शब्द, जो शब्द ये जहां पे दिखे तो नजदीक वाले को पकड़ते हैं, बस वहीं से क्वेश्चन डील हो जाता है। आगे कहता है कि दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग द्वारा नहीं लिखा जा सकता। काफी आसान था, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ये टू क्लास का बच्चा होता वो भी बनाता। खैर मैं आपको पहली बार आया है तो बता देता हूं कैसे इसको निकालते हैं। यहां पर लिखा हुआ है रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट। अब इससे कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसमें से एक एक स्पेलिंग को उठा के नहीं बनाया सकता। देखिए चीयर, ये इसमें सी भी मिल जाएगा, एच भी मिल जाएगा, डबल ई भी मिल जाएगा, आर में सब मिल जाएगा इसमें, लेकिन एक ऐसा वर्ड जो है जिसका नाम है नेवर, ये कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर, इसमें जो भी है वो आपको इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए नेवर इसमें से निकाल के कभी नहीं बना सकता, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन जो दिख रहे हैं उनके सारे लेटर्स इसमें कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि इनको आपस में यदि किसी चिन्ह को बदला जाए तब ये समीकरण सॉल्व हो जाए। ये मैं रोज आपको बता रहा हूं, और रोज बताते समय एक बात आपको खासा ध्यान कराता हूं कि बाबू हमेशा ध्यान रखो किस डिजिट का, मतलब किस साइन का, तो भागा वाले साइन पे आपका हमेशा ध्यान बना रखना चाहिए, वो हमेशा कुछ ना कुछ कांड करने के लिए आता है। प्लस माइनस ये लोग बहुत आसान काम करते हैं, छोटा छोटा इधर उधर बढ़ाते घटाते हैं, लेकिन भागा और गुना जो होता है ना ये बहुत खतरनाक काम कर जाता है, समझ रहे हैं। तो यहां पे भागा और गुना को हम लोग लेके चलेंगे। कैसे लेके चलेंगे, देखिए यहां पे आपको भागा दिख रहा है, भागा दिख तो रहा है लेकिन आपको एक चीज और समझ में आ रहा होगा यदि आप अच्छे से देख रहे होंगे तो, कि चार और पांच को जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा पॉइंट में, और आंसर हमारा पॉइंट में आ नहीं रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं उलट फिर हमें करना होगा। तो कैसे उलट फिर करेंगे, तो देखिए यहां पे भागा का चिन्ह है, भागा वाला कहां कहां दिख रहा है, तो भागा इसमें तो है नहीं, ऑप्शन बी ऐसे ही कट जाएगा और ऑप्शन ए ऐसे ही कट जाएगा। अब बात करते हैं किसका किसका, डी और सी का। मानते हैं हम पकड़ के चलते हैं डी को, कि प्लस और भागा को आपस में इंटरचेंज करेंगे। चलिए देखते हैं, मुझे पता है नहीं कि सही में यहीं से बन जाएगा कि आगे से बनेगा, चलिए देख लेते हैं एक बार। तो आपको डी जब रखते हैं तो क्या होता है, देखिए लिखा जाएगा, हाँ ठीक है, तो प्लस के जगह पे भागा और भागा के जगह पे प्लस रखेंगे, तो तीन भागा दो, गड़बड़ हो गया। अच्छा तीन भागा दो किए, फिर गुना छ किए, माइनस चार और भागा के जगह पे प्लस पांच, ये दस आ रहा है कि नहीं ये देखना है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, भागा की क्रिया, तो तीन तीन बटा दो करते हैं तो कितना आ जाएगा 1.5, और 1.5 से छ में गुना करेंगे, छ डेढ़ है नौ, नौ माइनस चार प्लस पांच, नौ पांच चौदह, चौदह में से चार घटेगा दस आ गया, और ये देखिए आपका 10 यहां भी दिया हुआ है, तो ये सेटिस्फाई कर गया, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम सोचते हैं, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दिखे आपको बस सीधा ध्यान देना है किस पे, भागा और गुना वाले चिन्ह पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा अंतर लाते हैं किसी समीकरण को सॉल्व करने में। अगला प्रश्न कहता है कि श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, 26, 29, 33, 38, 51 ऐसे है, 26, 29, 33, 38 खाली स्थान 51। आज ही मैंने इस तरह के प्रश्न आपको करवाए हैं। तो देखिए हम पहले सबसे पहले अंतर निकालेंगे इनका, अंतर क्या क्या होगा, तीन यहां अंतर, चार यहां अंतर, तो अगला अंतर छह का होना चाहिए, 38 और 6, 44 यहां पे होना चाहिए, अब फिर यहां पे भी अंतर सात का होना चाहिए भाई, तो 44, 6, 50 और 51, तो 751 हो जाएगा। तो ये काफी आसान था, यहां से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरह से आपको निकालना है, सीरीज बना के तब निकालना है। कह रहा है कि सी डी ई को पूरा कीजिए, देखिए पूरा कैसे करेंगे इसको, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी पूरा करने को कहे तो हमें से ध्यान रखिए, यहां से देखिए सी से आगे बढ़ते हैं, तो सी से आ रहा है ई, कितना बार बढ़ता है, तो देखिए सी डी ई और फिर होता है हमारा E, G, I, तब होता है H, J, M। अब यहां पे ध्यान देंगे कैसे कैसे ये बढ़ रहा है, C से कितना बढ़ेगा तो ये आएगा D, E,
प्लस दू। अच्छा ई से बढ़ते हैं एच तो कितना आता है एफ जी एच यानी प्लस तीन। इसमें आते हैं ई से डी से जी बढ़ते हैं तो डी से जी बढ़ते हैं कितना आ जाएगा डी ई एफ जी प्लस तीन। फिर जी से आगे बढ़ते हैं जे की ओर तो कितना आ जाएगा जी एच आई जे ये प्लस तीन। ठीक है देखिए यहां पर दोनों में बराबर बढ़ रहा है तो मिट जाओ जी। ठीक है यहां आते हैं ई से आई की ओर बढ़ते हैं तो ई एफ जी एच आई ये हो गया प्लस चार। आई से एम बढ़ते हैं तो आई जे के एल एम ये भी हुआ प्लस चार। मतलब जो अगला सीरीज आएगा वो आपको क्या समझ में आ रहा है ये दो तीन तो अगला चार बढ़ेगा एच से चार बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा एच आई जे के एल तो यहाँ पे एल होगा। आप देखिए एल किस किस ऑप्शन में है एल तीन ऑप्शन में दिख रहा है इसको हटा देंगे इसमें एम है। अच्छा लास्ट वाले को चेक कर दे क्योंकि लास्ट वाला आपका आंसर दे सकता है तो चार चार एम के बाद चार बढ़ाते हैं तो कितना मिल जाएगा एम एन ओ पी क्यू लास्ट में क्यू शुरू में एल और लास्ट में क्यू। अच्छा दो गो में है तो बीच वाला भी चेक करना पड़ेगा यहाँ से तीन तीन तो अगला भी तीन बढ़ेगा जे एच जे के एल एम तो एल एम क्यू ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सीरीज तैयार करना होता है। कई बार क्या होता है ना किसी में कम बढ़ा है किसी में ज्यादा बढ़ा है तो इस तरह से आपको बढ़ा के देखना होता है। क्लियर पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये काफी आसान प्रश्न था कह रहा है कि इस प्रश्न श्रृंखला को कौन सा फिगर आकर के पूरा करेगा। देखिए इस तरह का प्रश्न है और इसको पूरा करना है हमें पूरा करना है तो क्या करना होगा ध्यान दीजिएगा। यहां पे हमें एक ऐसा चाहिए जो ऐसा का पूरा करे दूसरा हमें ऐसा चाहिए जो इसको ऐसे गोल वाला मेंटेन कर दे समझ रहे हैं ये वाला और तीसरा हमें कैसा चाहिए यहां से भी ऐसा चाहिए खड़ा रहो तीसरा हमें यहां से पूरा वाला ऐसा चाहिए। तो देखिए ऐसा हमें कहां दिख रहा है और ये जो चाहिए ये वाला लाइन आगे बढ़े और नीचे की तरफ आए तो नीचे की तरफ आने वाला ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे ही कट गया। ठीक है नीचे की तरफ आने वाले ये हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये आधा तक ही है इसको पूरा ऐसा जाना चाहिए था तो ये भी कट गया और इसमें ये वाला है ही नहीं तो ये भी कट गया ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो एक एक बारीकियों को आपको पकड़ना है कि कहां से कम हो रहा है कहां से ज्यादा हो रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि जब दर्पण को हम नीचे तरफ रख देंगे इसमें तो इसका फिगर कैसा बन के आएगा। तो दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्न आपको रोज देखने को मिल रहे हैं मैं आपको दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब सारा कुछ बताया हूं फिर से आज देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए दर्पण जब नीचे रखा जाता है तो ये जल प्रतिबिंब की तरह प्रतिबिंब देने लगता है समझ रहे हैं। दर्पण जब बाएं हो दाहिने हो तब उसका काम दर्पण जैसा होता है लेकिन जैसे ही नीचे आता है दर्पण तो वो जल प्रतिबिंब की तरह काम करने लगता है मतलब सीधा सीधा पलटी मार देता है तो ये वाला चीज सीधा नीचे आ जाएगा। जब ये सीधा नीचे आएगा तो देखिए इसमें ऊपर बना हुआ है ये कट गया इन तीनों में देखते हैं ये जब नीचे आएगा तो इस तरफ से घूमेगा और ये चल जाएगा ऊपर और ये इधर है तो ये इधर आएगा। ठीक है देखिए इस तरह का दिखने वाला है ये 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 ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है क्योंकि ये जब घूमेगा तो ये वाला तो होगा लेकिन ये जो इधर घूम रहा है ना ये इधर नहीं जाएगा इधर आना चाहिए और ऑप्शन डी में दिख रहा है इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में फिर से पेपर मतलब वही वाला दिखाया है कि ये पेपर किसमें चिन्ह मतलब निहित है तो देखिए यहाँ पे ये चतुर्भुज जैसा होकर और आगे से इसमें कॉर्नर भी बना हुआ है तो इस तरह का फिगर कहाँ दिख रहा है इस तरह का फिगर आपको दिख रहा होगा नहीं इसमें नहीं दिख रहा है ये कट गया इसमें तो है ही नहीं ये भी कट गया इसमें देखें इसमें भी नहीं है इसमें देखें तो देखिए दिख रहा है इसमें वो कैसे दिख रहा है यहाँ पे गया ये गया ये आया और ये वाला चतुर्भुज हो गया फिर सीधा लाइन आया ऐसे मुड़ा और तिरछा डंडी हो गया तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। बस देखना था आपको नजर से ठीक है 5-7 सेकंड तक लगातार किसी चीज को देख लेंगे ना वो आपका हो जाता है तो उसको ध्यान से देखिए आपका आंसर सही हो जाएगा। कह रहा है कि यदि माइंड को कूट भाषा में के जी एल बी और आरग्यू को ऐसे ऐसे लिखा जाता है तो डायग्राम को कैसे लिखा जाएगा। देखिए आपको यहां से एक चीज मैं आपको ध्यान दिलाऊं आप केंद्रित करेंगे ध्यान इस पे तो आपको दिख रहा होगा कि जो माइंड लिखा हुआ है और यहाँ पे आरग्यू लिखा हुआ है इसमें जितने लेटर्स आपको दिख रहे हैं वो सारे लेटर्स आपको डायग्राम में दिख रहे हैं। इस तरह का प्रश्न आपको सेट 3 या 4 में आया हुआ था ठीक है मैंने सॉल्यूशन में आपको बताया था कि जैसे ही हमको सेम टू सेम वर्ड्स मिलने लगे तो उन्हीं का कोड उठाकर उसके सामने पुट कर देंगे आंसर आपका
आ जाएगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए एम का कोड क्या हो रहा है, एम का कोड हो रहा है के, एम का कोड के, लास्ट में के किसमें किसमें है, तीन गो में है, ए कट गया। अच्छा आगे बी है तो देख लेते हैं डी का कोड क्या हो रहा है, डी का कोड यहां से हमको दिख रहा है सी, तो डी का कोड सी हो रहा है एम आई एन डी, अच्छा डी का कोड हो रहा है बी, तो बी से शुरुआत होना चाहिए, ये वाला भी कट गया, अब ये दोनों बचे हैं, तो इसमें देखिए कॉमन दिख रहा है बी जी वाई। अच्छा चौथा नंबर यदि हम मिला लेते आंसर हमारा निकल जाएगा डायरेक्ट, चौथा नंबर कौन सा है डी सॉरी जी, और जी का कोड क्या हो रहा है, जी का कोड देखिए यहां से ई हो रहा है, जी का कोड ई, चूंकि तीसरे नंबर पे जी और तीसरे नंबर पे वाई ए पी, जी का कोड ई, तो यहाँ पे देखिए ई किस में है, ई आपको दिख रहा है ऑप्शन बी में, तो ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। मतलब जैसे ही लेटर्स हमको आपस में मिले तो सेम टू सेम कोड उठा के पुट कर दीजिए, काम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न काफी बढ़िया है, इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे, यदि ध्यान से नहीं देखेंगे तो ये आपसे गलती करवा सकता है। देखिए कह क्या रहा है, ध्यान से जब पढ़ेंगे इसको तो कह रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेद में उस पर आधारित प्रश्नों के लिए प्रयोग करें, राहुल और कुसुम हिंदी और गणित में अच्छे हैं, राहुल और कुसुम किस भाषा में अच्छे हैं, हिंदी और गणित में अच्छे हैं, समीर और राहुल हिंदी और जीव विज्ञान में अच्छे हैं, समीर और राहुल हिंदी और जीव विज्ञान में अच्छे हैं, गीता और कुसुम मराठी और गणित में अच्छे हैं, समीर गीता और मिहिर इतिहास और जीव विज्ञान में अच्छे हैं, तो कौन केवल हिंदी मराठी और गणित में अच्छे हैं। सबसे पहले यहाँ छात्रों का नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे छात्रों का नाम, और इधर लिखेंगे विषय, विषय कौन कौन से हैं, तो विषय पहला हमारा है हिंदी, दूसरा विषय हमारा है मैथ यानी कि गणित, तीसरा विषय हमारा है बायो यानी कि जीव विज्ञान, चौथा विषय हमारा आ रहा है मराठी, ठीक है चौथा विषय मराठी, और पांचवा विषय इतिहास, पांचवा विषय इतिहास हिस्ट्री ले लेंगे। अब देखते हैं क्या क्या नाम दे रहा है, पहला दे रहा है कि समीर और राहुल हिंदी और जीव विज्ञान में अच्छे हैं, समीर और राहुल सॉरी राहुल और कुसुम हिंदी में अच्छे हैं, ठीक है सबसे पहले इनका नाम लिखेंगे, राहुल और कुसुम हिंदी और गणित में अच्छे हैं, तो राहुल और कुसुम किसमें अच्छे हैं, हिंदी में, ये दोनों हिंदी में अच्छे हैं और साथ साथ गणित में अच्छे हैं, तो मैथ में भी दोनों अच्छे हैं, मैथ में भी इन दोनों में टिक लगा लेंगे। ऐसा करके आपको चार्ट बनाना ही पड़ेगा, चार्ट नहीं बनाएंगे तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले बैंकिंग में पूछा जाता था, अब जाके टीसीएस उठा के एसएससी में पूछने लगा है, तो आपको इस तरह से चार्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके आगे देखते हैं, उसके आगे कह रहा है कि समीर और राहुल हिंदी और जीव विज्ञान में अच्छे हैं, तो देखते हैं समीर और राहुल के बारे में तो लिख चुके थे, तो समीर किस में अच्छा है, तो कह रहा है कि समीर और राहुल हिंदी और जीव विज्ञान में, तो समीर हिंदी में भी और जीव विज्ञान में, यानी कि राहुल भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीव विज्ञान में अच्छा हो जाएगा, क्योंकि समीर और राहुल दोनों के बारे में बातें हो रही थी, तो दोनों को हमने कहां पे अच्छा कर दिया, किसमें किसमें, हिंदी में और बायो में अच्छा कर दिया। अब कह रहा है गीता और कुसुम मराठी और गणित में अच्छे हैं, गीता और कुसुम, कुसुम यहाँ पे है गीता, गीता और कुसुम किसमें किसमें अच्छे हैं, तो मराठी और गणित में, देखिए दोनों को ले चलते हैं, मराठी में कुसुम भी अच्छी है और गीता भी अच्छी है, और साथ साथ गणित में भी अच्छी है, तो मैथ में कुसुम को तो हमने ऑलरेडी लगा दिया था, गीता को भी अच्छा हमने लगा दिया कि ये इसमें भी अच्छा है। अब कह रहा है कि समीर गीता और मिहिर इतिहास और जीव विज्ञान में अच्छे हैं, समीर गीता और एक नाम बचता है मिहिर जिसको हम अंत में लिखते हैं, ये तीनों इतिहास और जीव विज्ञान में अच्छे हैं, ये तीनों हिस्ट्री में और बायो में अच्छे हैं, तो इस तरह से हम तीनों को यहाँ पे भी टिक कर देंगे, किसको किसको, समीर गीता और मिहिर को, गीता को मिहिर को और समीर को, तीनों को इन तीनों में टिक करें, किसमें किसमें, इतिहास जीव विज्ञान में, ठीक है इतिहास और जीव विज्ञान में, इतिहास में और जीव विज्ञान में भी करेंगे, इधर किधर गया, बायो में भी करेंगे। अब से पूछ रहा है क्या, केवल हिंदी मराठी और गणित में कौन अच्छा है, हिंदी मराठी और गणित, देखिए हिंदी मराठी और मैथ तीनों में कौन अच्छा है, तो इन तीनों में केवल अच्छा है कुसुम, और ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्नों को आपको डील करना है, चार्ट आपको बनाना है, और चार्ट में हर एक चीज को टिक करके रखना है, तब जाके आपका क्लियर हो पाएगा कि किसको कहां कहां क्या क्या अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा, यदि ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, इसको अगले दिन मैं क्लास में ले लूंगा और फिर आपको बता दूंगा, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो एक बार आप वीडियो को पॉज करिए, फिर अपने सब चार्ट बनाइए तो ज्यादा कुछ समझ में आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ए पी आर एक्स एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, उसमें एस एक्स तथा जेड के बीच में है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का, इसको भी हम लोग एक नजर डालते हैं काफी अच्छे से, फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। कह रहा है कि एक पंक्ति में बैठे हैं लोग, दो दो चार,
तो छह लोग हैं, ठीक है। उसमें एस एक्स तथा जेड के बीच में है। एस कहां पे है? एस तथा जेड के बीच में। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि उसमें एस एक्स तथा जेड के बीच में। तो पहले तो लिखते हैं छह लोगों का क्रम, ऐसे मान लीजिए बैठाते हैं, एक दो तीन चार पांच छह, ऐसे छह लोग बैठेंगे, ठीक है। मान लेते हैं ऊपर उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ऐसा कोई डायरेक्शन दिया नहीं है, तो उत्तर की तरफ मान लें तो इधर दाहिना हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा। एस जो है वो एक्स तथा जेड के बीच में, कहीं पर हम इसमें बैठा नहीं सकते हैं, तो इधर लिखते हैं कि एस एक्स तथा जेड के बीच में। तो जरूरी नहीं है कि एक्स इधर ही हो जेड इधर ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑब्लिक ले लेंगे, एस मतलब जेड इधर भी आ सकता है और जेड उधर भी जा सकता है, तो जेड एक्स ऐसा हो सकता है या फिर जेड एक्स ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन बीच में एस रहेगा। आगे कह रहा है कि और ए तथा पी सिरों पर है, यानी एक तरफ ए है और एक तरफ पी है। तो जरूरी नहीं कि ए बाएं तरफ हो पी दाएं तरफ हो, लेकिन ऐसे हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि आर ए के बाईं ओर बैठा है, आर ए के बाईं ओर। अब यहां से देखिए आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि ए के बाएं तो जगह नहीं है, तो आर को बैठाइएगा माथा पे, उल्टा उलट दो इसको, ए को इधर ले लो और पी को इधर ले लो, तो यहाँ ए आ जाएगा यहाँ पी आ जाएगा। अब ए के बाएं बैठा सकते हैं ना, आर ए के बाएं है, आर जो है ए के बाएं, ठीक बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। तब पी के ठीक दाईं ओर कौन है? अच्छा देखिए, अब इन दोनों को बैठाना है, एस और जेड एक्स को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बाकी चीजें तो भर गई, यही तीन को खाली है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जेड या एक्स, बीच में एस, यहाँ पे एक्स या फिर जेड, ऐसे बैठा सकते हैं, लेकिन इन दोनों का स्थान अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है कि तब पी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? पी के दाईं ओर, तो पी के दाईं ओर या तो जेड बैठा है या तो एक्स बैठा है, और ऑप्शन बी आपका यही दे रहा है, एक्स तथा जेड, इनमें से दोनों में से कोई भी, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, और ये वेन डायग्राम फिर से दे दिया, और वेन डायग्राम में कह रहा है कि सितार, हार्प और वाद्य यंत्र। तो आपको एक चीज समझना चाहिए था कि हार्प जो है ये भी एक वाद्य यंत्र है और सितार भी एक वाद्य यंत्र है, और जो ये दोनों वाद्य यंत्र के अंदर आते हैं, ठीक है। तो सितार हो गया ये पूरा, मतलब वाद्य यंत्र ये पूरा हो गया, इसमें सितार अलग और हार्प अलग, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, और ये आज का 19वां प्रश्न है, और ये प्रश्न रोज आपसे पूछा जा रहा है, इसको बहुत ही ध्यान से बनाइएगा। कई लोग कहते हैं कि ये सबसे खतरनाक है, लोरे एकदम आसान है, बस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाइए, चीजें सही हो जाएंगी। कैसे कैसे देखिएगा, कह रहा है कि सभी चट्टाने खनिज है, सभी चट्टाने, ये जितनी चट्टाने हैं वो क्या है? खनिज है। इन सबको खनिज के अंदर रख दीजिए, ये हो गया हमारा खनिज, सभी चट्टाने खनिज हो गई। अगला कहता है कि सभी खनिज अयस्क हैं। अब जितना भी खनिज आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा खनिज क्या है? अयस्क है, तो इसको रख देंगे अयस्क में, आ गया। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या क्या है। सभी चट्टाने अयस्क हैं, सभी चट्टाने अयस्क हैं, हाँ, क्योंकि चट्टान अयस्क के अंदर है और सब इसके अंदर है, इसलिए सभी चट्टाने अयस्क हो सकती हैं। यदि इसका उल्टा देता है कि सभी अयस्क चट्टाने हैं, तो नहीं, क्योंकि चट्टान नीती चुकी, अयस्क बड़ा सा, तो बड़ा सा तो बाकी वाला जगह खाली ना है जी, इसको तो हम नहीं कर सकते है ना, लेकिन ये तो पूरा पूरा भरा हुआ इसी के अंदर है, तो सभी चट्टाने अयस्क हैं, ये वाली चीज सही हो गई। सभी खनिज चट्टाने हैं, सभी खनिज चट्टाने हैं, नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो बाकी बाहर है, ये वाला तो खनिज है, ये वाला चट्टान थोड़ा ना है, चट्टान तो जितना दूर में है उतना ही दूर ना, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, यानी कि केवल निष्कर्ष एक को अनुसरण करता है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर, और लास्ट प्रश्न को हम बताएंगे नहीं, क्यों नहीं बताएंगे, रोज बता रहे हैं, 6 दिन लगातार बताएं, ठीक है। अच्छा ठीक है, बता देते हैं, देखिए कैसे इसको डील करते हैं, बता ही देते हैं। कह रहा है कि डिक्शनरी के अनुसार इनको सजाइए, तो डिक्शनरी के अनुसार कैसे सजाएगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना होता है कि डिक्शनरी में कौन सा वर्ड पहले आता है, तो एस तो सब में है, अब एस से मीनिंग शुरू हुआ, एस के बाद जो अगला वर्ड होता है वो ए आता है, फिर बी आता है, फिर से इस तरह से लेटर्स का क्रम बढ़ता है। तो यहाँ पे देखते हैं एस के बाद वाला जो वर्ड है सबसे पहला कौन है, देखिए ओ आएगा, फिर इसके बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू, तो सबसे पहले ओ आएगा, तो ये यू वाला तो पहले होगा नहीं, सबसे पहले ओ वाले पे विचार करेंगे। अब सब में ओ दिख रहा है, चार ऑप्शन में, ओ के बाद वाला जो लेटर है वो पहले कौन आएगा वो देखना है, तो एल उसके बाद आता है एम, तो सबसे पहले एल वाले को लेंगे, तीन नंबर नहीं आएगा, सबसे पहले एल वाला आएगा, तो एल वाला भी हमारे पास तीन गो है। अब एल वाले के बाद देखेंगे कौन सा शब्द आता है पहले, तो एल वाले के बाद सबसे पहले आता है आई,
तो ये पांच नंबर ऑप्शन जो है ये सबसे पहले नंबर पे आएगा। देखिए पांच वाला यहाँ पे दो गए, ये तो ऑप्शन दोनों पहले ही कट गया, तो यहाँ पे आते हैं पांच के बाद कौन आएगा, ये वाला एक नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई था, और आई के बाद वाला लेटर क्या होता है, आई के बाद वाला लेटर जो होता है वो आपका हो जाता है यू, ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरा नंबर। अच्छा यू के बाद आता है भी, तो ये हो जाएगा तीसरा नंबर, तो पांच एक दो, और ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है, इस तरह से डिक्शनरी को सजाते हैं। तो आज के सारे क्वेश्चंस आपके खत्म हो गए, और इसके बाद आपको जस्ट वीडियो मिलेगा किसका, हिंदी का और जीके का, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।